संगीत सरिता दोस्तों नमस्ते। संगीत सरिता में आज से हम एक नई श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं, मरुधरा की संगीत धारा में शास्त्रीय संगीत। राजस्थान के लोक गीतों पर आधारित इस श्रृंखला की ये है पहली कड़ी। इस श्रृंखला में हमने तीन लोक कलाकारों को आमंत्रित किया है, बनारसी लाल झोरी, गंगा कलावंत, कोहिनूर लंगा और साथी शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ जो यहाँ आमंत्रित हैं, प्रसिद्ध गायक डॉक्टर प्रकाश संगीत और ख्यात नाम वायलिन वादिका विदुषी एन राजन आपके साथ बातचीत करेंगी कांचन प्रकाश संगीत। आइए सुनते हैं पहली कड़ी। श्रोताओं नमस्कार। शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत, संगीत ही के दो रूप हैं। शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद, धमार, ख्याल से लेकर टप्पा, ठुमरी इत्यादि उपशास्त्रीय गायन प्रकार भी होते हैं। उनका एक शास्त्र होता है, पद्धति होती है। और लोक संगीत, जिसे लोग लिखते हैं, गाते बजाते हैं, परंपरा के साथ मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है, इस लोक संगीत की भी अपनी अपनी एक शैली होती है, एक व्यक्तित्व होता है। आश्चर्य की बात यह है कि हमारे देश में हर प्रांत के लोक संगीत में शास्त्रीय संगीत के तत्व नजर आते हैं, कहीं रागों की झलक के रूप में तो कहीं शास्त्रीय संगीत के गमक, मेंड, मुरकी जैसे अलंकारों के रूप में। मरुधरा की संगीत धारा इस श्रृंखला में हम राजस्थान के लोकगीतों में शास्त्रीय संगीत के तत्वों की तलाश करेंगे। इस समय स्टूडियो में सभी आमंत्रित कलाकार उपस्थित हैं। तबला संगत करेंगे बालकृष्ण अय्यर, हारमोनियम पर संगत करेंगे सुधीर नायक और विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हैं महेंद्र मोदी। महेंद्र जी चूंकि राजस्थान के हैं और हर कड़ी में जो गीत हम सुनेंगे उस गीत का अर्थ हम महेंद्र जी से जानेंगे, तो आप सभी कलाकारों का विविध भारती की ओर से हार्दिक स्वागत है और सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। प्रणाम। नमस्ते। ये जो श्रृंखला है मरुधरा की संगीत धारा में शास्त्रीय संगीत, महेंद्र जी आपसे गुजारिश है कि मरुधरा की संगीत धारा को थोड़ा आप स्पष्ट करें। देखिए कांचन जी, मरुधरा उस भूमि को कहते हैं जहाँ पर रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हों। जी। आप जानते हैं राजस्थान का अधिकांश हिस्सा रेत के टीलों से अटा हुआ है, खास तौर से जो पश्चिमी राजस्थान है वो तो पूरा का पूरा मरुभूमि है, थार का रेगिस्तान कहा जाता है वो। तो वो रेगिस्तान, वहां से जो संगीत फूटता है, हम अगर ध्यान से देखें सुबह सुबह, आप देखिए अगर, तो जब उन रेत के टीलों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है चारों तरफ सोना बिखरा हुआ है। और जब वहां जल की धारा की तो बहुत कमी है, मतलब बहुतायत में नहीं ही नहीं मिलेंगी, बहुत कम मिलेगा पानी, लेकिन संगीत की एक ऐसी अविरल और एक ऐसी अनूठी धारा वहां बहती है जिसमें सदियों सदियों से हमारे जो कलाकार हैं वो अपना 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 योगदान देते रहे हैं और आज इस रूप में है कि हम उस धारा में यदि डुबकी लगाने की कोशिश करें। अब तो लगातार हमें इस सरिता प्रवाह के साथ बहना है। जी। मरुधरा की संगीत धारा के साथ। जी हाँ, जी हाँ। तो आज की इस पहली कड़ी के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ लोक गायक बनारसी लाल झोरी जी को। हम सब सुनने के लिए तैयार हैं। छपर पुराना पिया पड़ गया जी, छपर
पर पुराना पिया पड़ गया था, तिड़कण लग्या बोदा बांस, तिड़कण लग्या बांस, हो जी पिया बांस, अब घर आवो सा गोरी रासाये बागोराज, अब घर आवो नी गोरी रासाये बागोराज। नेड़ी नेड़ी कर जो ढोला थे नौकरी सा, नेड़ी नेड़ी कर जो पिया नौकरी सा, सांझी बढ़िया घर आव, सांझी बढ़िया घर आवे, हो जी पिया आवे, अब घर आवो सा गोरी रासाये बागोराज, अब घर आवो नी गोरी रासाये बागोराज। ओ गोरी रासाये बागोराज, थाने तो प्यारी पिया नौकरी सा, थाने तो प्यारी ढोला नौकरी सा, माने तो प्यारा लागो आप, माने तो प्यारा लागो आप, हो जी पिया आप, अब घर आवो सा गोरी रासाये बागोराज, अब घर आवो जी गोरी रासाये बागोराज, अब घर आवो नी गोरी रासाये बागोराज। वो होवे तो मैं डाक लूं सा, वो होवे तो पिया डाक लूं सा, समत ना डाक्यो डाक्यो जाए, समत ना डाक्यो जाए, हो जी ढोला जाए, अब घर आवो सा गोरी रासाये बागोराज, अब घर आई जो सा गोरी रासाये बागोराज। वाह 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 वाह, कितनी मिठास, वाह बहुत ही सुंदर गीत महेंद्र जी, लेकिन इसका मतलब तो हम आप ही से समझेंगे। ये गीत ये कहता है, गोरी अपने प्रीतम से कहती है कि देख तूने इतनी दूर नौकरी की है कि अब तेरे लिए यहाँ मेरे पास आना तक मुश्किल हो रहा है, अरे आसपास कहीं नौकरी कर ली होती तो शाम को कम से कम घर तो आ जाते, अब देखो ये जो बांस हैं इस छप्पर के फटने लगे, तिड़कने का मतलब
फटने लगे हैं। हाँ, जी, और बोदा बांस। बोदा मतलब पुराना। तो जो बांस का छप्पर बांध के गया था वो इतना पुराना हो गया है और तू घर नहीं आया, सोच मेरी क्या हालत है। अरे निर्दयी, अब तो घर आ जा। और अब हम बढ़ते हैं इस गीत के शास्त्रीय संगीत के पक्ष की ओर। प्रकाश जी, हम सभी ये गीत सुन रहे थे, आपने भी सुना है, इस गीत में कौन सा राग झलकता है? जैसा कि बताया गया है कि राजस्थानी लोक संगीत में कहाँ कहाँ शास्त्रीय संगीत दिखता है, किस प्रकार उपयोग किया गया है, तो तिलक कामोद राग दिख पड़ता है। तिलक कामोद राग ये खमाज अंग का राग है। और आपको ये भी बता दूं कि इससे मिलके एक देश राग भी है। तो देश और तिलक कामोद में अंतर होता है कि उसमें से कोमल निषाद हटा दे। सा रे मा ग रे सा रे मा पा सा पा धा मा ग रे गा सा रे मा पा सा सा पा, ये जो आता है तो तिलक कामोद राग में दिखता है, वो देश राग से हट जाता है। अब आप राग तिलक कामोद में कोई छोटी बंदिश अगर सुना सकते हैं हमारे श्रोताओं के लिए। निराभरण कस जाऊ सखी अब, निराभरण कस जाऊ सखी अब, निराभरण कस जाऊ। ये भी आपको यहाँ बता दूं कि ये चमचल राग है, तो इसमें ठुमरी, ये टप्पा, लोक धुने, तो इसमें थोड़ा मिश्रण भी आते। निराभरण 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 कस जाऊ जाऊ सखी, निराभरण कस जाऊ रे निराभरण कस जाऊ। अब थोड़ा वायलिन पे भी सुनेंगे तिलक कामोद। हाँ प्रकाश जी, इसमें एक प्रसिद्ध रचना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा है कि और सुनते जाएं, लेकिन समय की पाबंदी है। कल फिर मिलेंगे, तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। मरुधरा की संगीत धारा में शास्त्रीय संगीत, राजस्थान के लोक संगीत पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी पहली कड़ी। आज आप सुन रहे थे लोक गायक बनारसीलाल झोरी का गाया गीत। शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ हैं गायक डॉक्टर प्रकाश संगीत और वायलिन वादिका विदुषी एन राजम, तबले पर संगत बालकृष्ण अय्यर की, हारमोनियम पर संगत सुधीर नायक, रिकॉर्डिंग इंजीनियर दिलीप कुलकर्णी। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। Da ba da ni da ba ga ba da re sa re sa.